हेलो डियर मम्मीज, आप सबका वेलकम मेरे चैनल पे। इसमें मैं बताऊंगी कि ब्रेस्ट पंप के क्या फ़ायदे हैं। नंबर वन फ़ायदा है ब्रेस्ट पंप करने से कि मिल्क सप्लाई को इंक्रीज़ करता है। ये मिल्क को इंक्रीज़ करता है, आपके मिल्क प्रोडक्शन को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। नंबर टू इसका ये फ़ायदा है कि ये काफ़ी टाइम सेविंग होता है। जो वर्किंग मॉम होती हैं उनके बेनिफिशियल होता है, क्योंकि हर वक्त ब्रेस्ट फीड करवाना मुमकिन नहीं होता। इसलिए आप मैन्युअली या फिर इलेक्ट्रिकल ब्रेस्ट पंप की हेल्प से मिल्क को आप ले सकते हैं और आप इसे यूज़ कर सकते हैं। थर्ड, इट्स रिलीव्स फॉर वर्किंग मॉम एंड टायर्ड मॉम। ये जो है टायर्ड मॉम और वर्किंग मॉम के लिए काफ़ी काम आता है। जिन औरतों को काफ़ी थकान महसूस होती है वो ब्रेस्ट पंप कर मिल्क स्टोर कर रख सकती हैं और अपने बच्चों को दे सकती हैं। ये ऐसे ब्रेस्ट पंप करने से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मिल्क स्टोर हो जाता है और अब जब भी कभी भी अपने बच्चे को जब वो डिमांड करे तो वही स्टोर्ड मिल्क आप अपने बच्चे को दे सकती हैं। नंबर फोर, ये डोनर मिल्क का काम करता है, पंप के ज़रिए लिया गया ब्रेस्ट मिल्क। हाँ, जिन औरतों के बच्चे दूध नहीं पी पाते हैं तो डोनर मिल्क के ज़रिए इसी पंपिंग मेथड के ज़रिए ही उन बच्चों को दूध दिया जाता है ताकि उन्हें फीडिंग कर पाए और बच्चा उन्हें पी सके। क्योंकि जिन औरतों के दूध नहीं हो पाते इन्हें बच्चा पी सकता है। नंबर फाइव, जिन बच्चों को लैचिंग की प्रॉब्लम होती है, जो बच्चे दूध नहीं पी पाते वो बच्चे इसके ज़रिए आराम से दूध पी सकते हैं, जो काफ़ी बहुत ही बड़ा फ़ायदा हुआ। मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आप इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और लोगों तक इसे शेयर करें और मेरे चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहें। थैंक यू। और आगे की फर्दर इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मेरे एंड स्क्रीन के वीडियोस पर क्लिक करें। थैंक यू।